हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जैज क्रिएशंस। आज का जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी वो आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है ये जेली टैब्स। ये जेल एडहेसिव टैब्स हैं जो हम अपने नेल्स पर जो है स्टिक ऑन कर सकते हैं। ये ग्लू है जो एक तरीके से, जो आपको अलग से नहीं लेना है, ये टैब के फॉर्म में आता है, शीट के फॉर्म में आता है। आप अपने, ये देखिए, ये इस तरीके की शीट्स होती हैं जिसमें आप अपने नेल साइज के अकॉर्डिंग आप जो है ये इसको निकालेंगे और आपने इसको जो है अपने नेल्स पर आपने स्टिक कर लेना है, उस पर लगा लेना है आपने, और उसके बाद में आपने उसको प्रेस करना है। इस तरीके से आपने प्रेस करना है और वो अपने आप जो है नेल्स आपके जो है वो स्टिक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है बहुत ही झटपट जो है आप अपने नेल्स को आप नेल एक्सटेंशन कर सकते हैं घर पे, और बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये जो है इजीली जो है ये 1 वीक तक तो आराम से चल जाते हैं। आप अगर ज़्यादा पानी में काम वाम ना करें तो ये और भी ज़्यादा चल जाएंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको इसमें लगा के दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये मैंने ये जो टैब्स मंगाई थी, ये जो है ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी। ये मुझे 6 मिली हैं और ये जो है इनका प्राइस है 285 रुपीज़। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप परचेज करना चाहती हैं तो आप परचेज कर सकती हैं और घर बैठे जो है आप मनचाहे नेल एक्सटेंशन कर सकती हैं। आपको वो जो लिक्विड वाला ग्लू होता है उससे तो ये कहीं 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 बेहतर है, जो है मैं खुद यूज़ करके देख चुकी हूँ। अभी मैं आपको इसका डेमो भी आपको दिखा देती हूँ करके, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको इसमें जो है दिखा देती हूँ इसको। ये देखिए, आपने इसको कैसे यूज करना है। इसके ऊपर जो है ये इस तरीके की एक शीट लगी हुई है, ये देखिए, ये आपने हटा देनी है, ठीक। उसके बाद में आपने यहाँ पर ये देखिए, आपने अपने फिंगर के अकॉर्डिंग जो है देखना है। ये देखिए, अब मैं उसका अपने दिखा देती हूँ। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। 12 इधर हैं, 12 इधर हैं, तो 24 का आपको एक शीट मिल रही है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ ये लगा करके आपको कि आपने कैसे इसको लगाना है। ये देखिए, ये आपने इसको इस तरीके से आपने निकाला और अपने आपने इस पर, ये देखिए, आपने ये नेल पर ऐसे आपने नेल पर आपने ऐसे लगाना है। ये देखिए, उसको आपने प्रेस कर देना है। इस तरीके से आप प्रेस कर दीजिए और इसको आपने ऐसे निकाल देना है। अब ये देखिए, ये जो ग्लू है ये इसके ऊपर लग गया है। अब मैं इसके साइज का जो है वो नेल इसके ऊपर ऐसे लगा दूंगी और थोड़ी देर के लिए आपने इसको प्रेस कर देना है। और ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल चिपक गया है। देखिए कितना इजी है और बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये देखिए, बिल्कुल नहीं निकल रहा है। देखिए, मैंने एक शॉर्ट भी डाला हुआ है, उसमें भी जो है मैंने दिखाया है कि आप इसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं और आपके नेल्स को कोई भी हार्म नहीं होगा। कुछ भी आपको लगेगा नहीं कि ग्लू ग्लू जैसा, अच्छा चिप 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 जैसा या कुछ इस तरीके का बाद में या कुछ ऐसा लगाया हुआ था तो वैसा फील नहीं होगा। अब मैं आपको बाकी भी लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हो गया। अब उसके बाद में आपने जो है ये दूसरी फिंगर के साइज का आपने लेना है। ये देखिए, ये आपने लिया और होप गाइज आपको जो है ये विजिबल होगा इजिली। ये देखिए, ये आपने ये किया और आपने इसको इस तरीके से, पहले तो आप इसको प्रेस कर लीजिए ताकि ये पूरा फैल जाए इस पर आपके नेल पे, और आपने इस तरीके से देखिए निकाल दिया। बहुत ही इजी है गाइज, बहुत ही इजी। कहीं भी आपने जाना है तुरंत तो आपने जो है नेल एक्सटेंशंस अपने करने हैं, आप घर बैठे कर लीजिए। आज ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है बाहर जाकर के, आप जो है घर बैठे जो है नेल एक्सटेंशंस आप कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये आपने प्रेस करना है और ये देखिए, ठीक है, इसको आपने जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ को करना है प्रेस, ताकि ये बिल्कुल भी लगे ना कि कुछ अलग से आपने लगाया हुआ है, राइट। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल नहीं लग रहा है ये कहीं से भी कि आपने कुछ अलग सा नेल लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बाकी फिंगर्स में भी आपको करके दिखा देती हूँ। बहुत ही इजी है गाइस, बहुत ही इजी, बिल्कुल भी इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। ये इसके साइज का है तो मैं ये इस पे लगा देती हूँ। ये इस तरीके से आपने इसे लगाया और आपने ये
ये कि पहले इस पे भी लगा देती हूँ मैं। आपने इसको लगाना है और आपने इसको प्रेस कर देना है ताकि ये थोड़ा सा फैल जाए, ठीक है। अब आपने ये नेल लिया और आपने इसको इस तरीके से आपने थोड़ी देर आपने प्रेस कर देना है और ये हो गया, ये देखिए, ठीक है। इसको भी आपने ऐसे ही करना है, ऐसे प्रेस किया, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और घर बैठे ही बैठे देखिए आपके नेल एक्सटेंशंस घर पे हो गए, राइट। अब मैं सबसे छोटा वाला ले लूंगी, ये इस फिंगर के लिए, ये देखिए, बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये, बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये देखिए। ये देखिए ये देखिए, घर बैठे आपने 5 मिनट के अंदर आपने जो है नेल एक्सटेंशंस कर लिए और देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहे, ये अच्छे खासे पार्टी वेयर। देखिए आपने किसी भी पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, फटाफट आपने नेल एक्सटेंशंस अपने कर लिए घर पे ही, देखिए। और निकालना भी बहुत ही इजी है, अगर आप तुरंत ऐसे निकालना चाहती हैं तो भी निकल जाएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा गुनगुने पानी में, आप गर्म पानी में आप हाथ डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए और अपने आप ये जो है बिल्कुल ईजिली निकल जाएंगे। जब तक आप खींच के नहीं निकालेंगे ना, तब तक ही अपने आप नहीं निकलेंगे, ठीक है। और मैंने आपसे कहा ना कि ज़्यादा आप पानी में अगर आप काम करेंगे तो ये जल्दी निकल सकते हैं, नहीं तो ये नहीं निकलेंगे, 1 वीक से ज़्यादा भी चल जाते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इनकी जो है केयर कर रहे हैं, राइट। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। अगर आप भी ऐसी नेल एक्सटेंशन चाहते हैं तो इस तरीके से आप जो है ये जेली टैप्स को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये नेल एक्सटेंशंस। तो देखिए अब इसको निकालना भी बहुत ही ईजी है, आप चाहे तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, ये देखिए आप ऐसे निकालेंगे तो आपको थोड़ी सी मतलब लगेगा कि जो है बहुत ही जल्दी निकाल दिया, ये मैंने बहुत ही जल्दी निकाल दिया है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। आप ये भी लगाने का एक तरीका है, आप यहाँ लगाने के ना बजाय आप यहाँ पर भी आप इसको पेस्ट कर सकते हो, मतलब लगा सकते हो और फिर उसके बाद में आप इसको इस तरीके से स्टिक कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए आप बस, और आपका ये देखिए नेल जो है ये लग गया, देखिए अभी मैंने निकाला और फिर ये लग गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल दीजिए और फिर उसके बाद में जो गम है आप उसको निकाल करके आप हटा दीजिए, ये देखिए जैसे आपने ये निकाला और इस तरीके से आप इसको हटा दीजिए, आपका नेल जो है वो बिल्कुल जो है पूरा सही का सही रहेगा। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी नेल्स में कोई दिक्कत नहीं आई है, राइट। तो इस तरीके से आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है इन ग्लू टैप से आप नेल एक्सटेंशंस कर सकते हैं घर बैठे हुए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।